दीपा श्रीवास्तव बच्चों को बोरोमीटर सिखाने जा रहे हैं। ये भी ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको माउंट बोर्ड लगेगा, कलर लगेगा, फेविकोल लगेगा, ठीक है, जो मैड जो आपको सीजर लगेगा, ठीक है, और जो आपके पास घर में पुट्ठे आते हैं इस टाइप के, या फिर आप ब्राउन का पुट्ठा यूज़ कर लीजिए, खरीद लीजिए, और स्केल ले लीजिए आप सर्कल बनाने के लिए, या तो आप प्रोट्रैक्टर यूज़ कीजिए, या फिर हमने पास ये बास्केट था उसको यूज़ कर लिया है डिफरेंट शेप बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करना है तो वो आपको अपने बॉक्स बोर्ड लेना है। बॉक्स बोर्ड के ऊपर आपको देखिए मैंने पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया है, इससे सर्कल बना लेनी है। सर्कल बना के लेने के बाद हमने थोड़ा इंच का और एक सर्कल बना लिया है और उसको कट करके हम निकाल लेंगे। और ये हमने एक और सर्कल बनाया है, ये देखिए एक सर्कल हमने और बनाया है, इसके से भी छोटा कटिंग एक हम और करेंगे। इस टाइप से आपको एक छोटा सर्कल मिल जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, इस पर भी हमने सेम कट कर लिया है। इससे हम बॉर्डर थोड़ा 3D लुक लाने के लिए हम इससे बॉर्डर बनाएंगे, इसके बाहर का हम बॉर्डर इससे बनाएंगे, ठीक है। तो मुझे ये ले लेना है सर, और इसको हम कट करेंगे। इसके लिए आपको ऐसा बॉक्स ये चाहिए, ऐसा बॉक्स चाहिए इस पर स्टैंड करने के लिए, तो आप ऐसा बॉक्स ले लीजिए, ये देखिए काफ़ी अच्छा बॉक्स है मेरे पास, इसको ले सकते हैं आप ब्राउन ब्राउन मैचिंग करने के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको कट करते हैं, हमें यहाँ से कट करना शुरू करते हैं। ये वाला पोर्शन हम इसलिए ज़्यादा बनाए क्योंकि इसको हमको स्टैंड करने के लिए लगाना पड़ेगा, ये ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट है। तो ये हम अभी आपको सिंपल तरीके से बता दे रहे ताकि आप अपने घर में बना सकें। ये हमने कट कर लिया, इधर से हमने इसको भी कट किया। ये वाला पोर्शन आपको कट करना है ताकि ये स्टैंड होने में यूज़ हो जाए, ठीक है। अगर सर्कल पूरा कट करके निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी स्टैंड करना। ये हम पूरा इसको कट कर ले रहे हैं, ये हमने कट करके इसको पीस को निकाल लिया है। और अब आप इसको क्या करेंगे, ये जो ये मैंने दूसरा पोर्शन है ये वाला, ये जो पोर्शन मैंने बनाया है स्टेप से, तो इसको हम बैक साइड से लाइन खींचे, इसलिए बैक साइड में हम मुझे प्लेन मिला हुआ है, तो इस बैक साइड को हम इसमें फेविकोल को लगा करके इस वाले पोर्शन पे, ये देखिए इसके इस साइड पे हम फेविकोल लगा लेंगे। सबको फेविकोल ऐसे लगा लेना है, थ्री थोड़ा 3D लुक लाएगा, नहीं तो प्लेन भी आप सिंपल से ही बना सकते थे, बट 3D लुक आता है तो मैम लोग को अच्छा लगता है। इस टाइप से हमने फेविकोल लगा दिया है, इसको इसके अंदर हमको लगा देना है। तो देखिए मुझे एक बाहर से भी एक बॉर्डर मुझे मिल गया है, अच्छे से मिडिल में लगाना है कि एक बॉर्डर आपको ये मिल जाए और एक बॉर्डर अंदर आपको ऐसे मिल जाए, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम ये देखिए हमने ऑलरेडी ये लिख लिया है, आपको जो भी चीज़ें हैं वेट फायर राइजिंग ये सब आपको लिख लेना है, और इसके पीछे भी हमको अच्छे से फेविकोल को लगा लेना है। ये मैंने फेविकोल लगा लिया, इसके मिडिल में इसको भी हमको लगा देना है। ये आपको देख लेना है कि मिडिल में क्या चीज़ है, ये 30 वाला मिडिल में है, ये देखिए मुझे दो 3D ये जगह मिल गए हैं, इस पर हम ये अलग चीज़ लिखेंगे। इसके बाद हमने एक और सर्कल कट किया है जिसमें हमने सिल्वर पेपर लगा लिया है, ब्राउन ब्लैक इसका लुक आने के लिए हम सिल्वर लगा लिए हैं, इसके ऊपर फेविकोल हम लगा लेंगे। ये फेविकोल हमने लगा दिया, इसके मिडिल में हम उसको लगा देंगे,
ये मेरा लग गया इसमें, ठीक है। अभी जो मेरा ये वाला एरिया है इसको हम गोल्डन कलर से पेंट कर लेंगे। इसको हम गोल्डन कलर से पेंट कर ले रहे हैं। इस वाले एरिया को देखिए, फैब्रिक कलर गोल्डन कलर लेना है आपको। इसको पूरा आपको अच्छे से पेंट कर लेना है। इसको बाहर साइड से भी पेंट कर लेना है, ये जो बाहर वाला एरिया है उसको भी आपको गोल्डन से पेंट कर लेना है। ये आपने गोल्डन से इसको भी पेंट कर लिया। इसके जो नीडल बनाएंगे इसको भी हम गोल्डन कलर से पेंट कर लेंगे। एक गोल्डन से करेंगे, एक ब्लैक से करेंगे। ये गोल्डन से हम पेंट कलर इसको भी। ये सब जो गोल्डन से मैं इसको पेंट कर लिया, ठीक है। सूखने देना है इसको थोड़ी देर। ब्लैक कलर लेना है, जो दूसरी नीडल है उसको भी हम ब्लैक कलर से पेंट कर ले रहे हैं। देखिए ब्लैक से पेंट कर ले रहे हैं। पेंट करके इसको भी सूखने के लिए थोड़ी देर रख देना है, तुरंत यूज़ नहीं करना है आपको। फैब्रिक कलर यूज़ कीजिए, वाटर कलर मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वाटर कलर में अगर पानी लेके करेंगे तो ये और भी पतला हो जाएगा। तो ये बात ध्यान देना, आपको फैब्रिक कलर यूज़ करना है, ठीक है। ये दोनों को हम सूखने के लिए साइड में रख दे रहे हैं। और जो मेरा ये वाला ब्राउन वाला एरिया है इसको हम ब्लैक करेंगे, क्योंकि ये ब्राउन रहेगा ये ब्लैक रहेगा तो इसका गेटअप अच्छा आएगा। तो इसको भी आपको ब्लैक से पेंट कर लेना है। ब्लैक पेंट होने के बाद हमको एक सर्किल ले करके इसके मिडिल में लगाने के लिए इसको भी हम स्टेप से स्टार टाइप कट करें, थोड़ा अच्छा लुक लाने के लिए स्टार हल्का बना लिए हैं। सिंपल सर्किल ना लगा करके इसको भी स्टेप से हमको कट कर लेना है, ये देखिए, ताकि इसको भी पेंट करें तो थोड़ा अच्छा लगे। इसको भी आपको ऐसा कट कर लेना है। ये हमने कट कर लिया है, इसको भी हम ब्लैक पेंट से पेंट कर देंगे। इसको भी ब्लैक से पेंट कर दे रहे हैं। और सूखने के लिए रख देना हमको। और बीच में एक होल कर लेना है, ये देखिए सूखने के लिए हम इसको रख दे रहे हैं। सूखने के लिए हम इसको रख देते हैं ऐसे। अभी हमने स्टैंड इसको नहीं किया है, सब करने के बाद लास्ट में हम इसको स्टैंड करेंगे। तो ये भी हम सूखने रख दे रहे हैं। अभी इस पर हम लिखने का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हमको, तो ब्रश से लिख लीजिए, या आप अगर बच्चे नहीं लिख पाते हैं तो स्केच पेन से लिखे। यहाँ पे ये देखिए मैं से लिख दे रहा हूँ स्टोन। ये सब लिखने के बाद तभी हम स्टैंड इसको करेंगे। हल्का से लिखने के बाद फिर अच्छे से आपको
ऐसे सारे वर्ड आपको लिख लेने हैं। रस्सी का काफ़ी अच्छा मोटा और बढ़िया सा आया था लुक, ये हो गया। फायर इधर की उस तरफ फायर, हल्का टर्न कर दिया है। ये लुक क्या आपका, इसको टर्न कर लीजिए हल्का उस टाइप से। ब्रश में बहुत कम पानी लेना है, ज़्यादा पानी आपको नहीं लेना है। ये स्टेप से आपको इसको बाद में और अच्छे से ब्रॉड कर लेना है। पहले हल्का सिंपल सा ऐसा लिख लेना है, ये देखिए मैं लिख लिया है, और जो आपको ठीक ना लगे उसको फिर से ठीक कर लीजिए। Very dry. इस टाइप का आपका लिख कर हो गया, ठीक है। अभी यहाँ जो मिडल में आपको लगाना है उसके लिए हम इरेजर लेंगे। इरेजर आपके पास रहता है उसको अच्छे से कट कर लीजिए। वेस्ट इरेजर तो हमें फेंक देते हैं, ये देखिए हमें कैसे कट कर ले रहे हैं और थ्रीडी रहने के लिए। और इसके बीच से भी मिडल में कट करेंगे ताकि दोनों मिडल दोनों इरेजर एक साथ मिले ना। यहाँ पे इसको हम लगाएंगे, ठीक है, इस जगह पे ये लगाएंगे। सबसे ऊपर हम नीचे ये लगाएंगे, ये मिडल, ये वाली, ये मिडल हमको यहाँ रख करके इसको ऐसे रख देना है। और फिर से एक इरेजर लेना है हमको, ये इरेजर हमने फिर से एक ले लिया, इसके मिडल में इसको रखना है। और इसके ऊपर एक दूसरी छोटी वाली सुई रखनी है मुझे, देखिए थ्रीडी हो गया मेरा। या तो ये नीचे रखिए जैसा आप चाहिए, ये नीचे रख लीजिए इसको और इसको ऊपर रख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें ये जो हमने ये बनाया था स्टार वो लगा देंगे। तो पहले से बीच में होल कर लेते हैं, होल करने के बाद ये टूथपिक है, टूथपिक लिया हमने, टूथपिक का हमने इसमें होल किया इस स्टेप से। टूथपिक को एकदम हार्ड घुसाया, इसके अंदर डाला, देखिए इसमें डल जाएगा इसके अंदर। इसको चाहिए तो और पतला कर लीजिए, काफ़ी मोटा दिख रहा तो आप इसको और ही पतला कर सकते हैं कैंची से कट करके, ठीक है। ये पतला सा मुझे मिल गया, इसमें डालना है इसको। ये अंदर आ गया, इसके बाद ये नीडल आएगी आपकी, उसके बाद दूसरी नीडल, इसके लिए फिर से हमको एक और ये लगाना पड़ेगा। ये हमने लगाया, हर के बीच में गैप रहेगा वरना वो नीडल एक दूसरे में चिपक जाएंगे। ये देखिए ऐसा मूवेबल रहेगा। फिर इसमें डालना है मुझे, ये डल गया तो आपका इरेजर ये ऐसा है, आपका नीडल बन गया। अब इसके अंदर हम लोग प्रेस कर देंगे, ये देखिए ये आपका, ज़्यादा अंदर नहीं डाल रहे, हल्का टाइट ही रखना आपको, ये घूमने लगेगा। अब जो बैक साइड आपका है, बैक साइड ये देखिए, पीछे बैक साइड है,
ये बैक साइड में हम क्या करेंगे अभी, इसके अंदर कुछ स्टेप्स रख देंगे कि वह खड़ा रहे बॉक्स। ये हमने और इसको हमें डाल देना है, ठीक है। इसके ऊपर हम इसको रख दिया हमने, ठीक है। और बैक साइड में भी जैसे भी खड़ा ना हो पाए, तो ये जो मेरे पास पुराना पुट्टा पड़ा था इसको हम होल्ड करेंगे, यहाँ पे फेविकोल लगा देंगे, फेविकोल लगा करके और इस पे फेविकोल लगा लेंगे। ये जो पूरा फेविकोल लगा करके हम इसके ऊपर, ताकि जो मेरा माउंट बोर्ड है थोड़ा और हार्ड हो जाए, वरना बहुत पतला हो जाएगा तो गिरेगा। ये देखिए हमने इसको भी चिपका दिया पीछे साइड से भी, और एक और छोटा सा बोर्ड ले ले रहे हैं। जो इरेजर मेरा था इरेजर, इसको वापस हम कट करते हैं, इस पर फेविकोल लगा देंगे। पहले तो ये पहना देते हैं इसमें फेविकोल लगा करके, ये फेविकोल। इसलिए हम स्टेप बाई स्टेप आपको दिखाते हैं ताकि आप अच्छे से ड्राइंग को बना लें। अगर वीडियो ना बनाना तो हम फटाफट बना लें, बट आपको वीडियो बनाने के लिए हम इतना स्टेप बाई स्टेप दिखाने लगाते हैं। यहाँ पर हमने फेविकोल लगाया और ये स्टिक इसको स्टिक कर देंगे। ये देखिए स्टेप से ये हो गया मेरा रेडी हो जाएगा। ये देखिए स्टेप से ये देखिए घूमने वाला मेरा घूमने वाला बन जाएगा, ठीक है। अभी जो ये वाला ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो जो मेरे पास बॉक्स है, मैंने ये जो बॉक्स लिया था, या ये बॉक्स आप ले लीजिए जिसके ऊपर हम खड़ा इसको करेंगे। अभी हमने जो बॉक्स लिया था, इस बॉक्स ये देखिए मैंने ऐसे बॉक्स लिया है, इसको ब्राउन पेपर से रैप कर देंगे या तो आप चाहिए पेंट कर लीजिए। तो ये हमने ब्लैक पेपर मेरे पास है टिंट पेपर, इसे इस चीज़ को रैप कर देंगे, ठीक है। बॉक्स को पूरा हम लोग रैप कर लेंगे, ठीक है। इसको हम रैप कर लेते हैं, पूरा ऐसे अच्छे से हम रैप कर दे रहे हैं फेविकोल लगा करके। इधर से भी देखिए, इधर से भी हमें ऐसे पकड़ के रैप कर लेना है, पैकिंग पेपर की तरह पर फिर पैक की तरह आपको इसको पैक कर लेना है, इसको पैक। अभी ये हमने कवर चढ़ा लिया है, ठीक है, हर तरफ से कवर चढ़ा लिया हमने, ठीक है। बीच में हम हल्का सा कट कर देंगे, ऑलरेडी हमने कट करके पहले से रखा था, ये वाला एरिया में हम कट कर देंगे। ये हमने कट कर लिया, ठीक है। और ये दो चीज़ हमने बनाई है, ये देखिए एक तरफ रेन दिखाएंगे, ये एक तरफ सन दिखाएंगे हम। सन को कलर कर लिया है, ये देखिए रन और सेम सन भी हमने बना लिया है, ठीक है। इस टाइप से इसको ये हमने बनाया है ये चीज़। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये टूथपिक में लगानी है, ये पेंसिल हमने दो पेंसिल ली हुई है सपोर्ट के लिए। जिस पेंसिल में ये इरेजर हो वही वाली पेंसिल आपको लेनी है। ये हमने दो पेंसिल ले लिए, इसको इस जगह पे इन कर देना है एक साइड में, और इस साइड में इन कर लेना है आपको, इस साइड में इन कर देना है सपोर्ट के लिए, ठीक है। ये आपको बता रहा है सपोर्ट कैसे लगा लिया। और जो हमने ये बनाया था स्टेप से सन, तो इसके आपको ध्यान देना है कि हमको इसके इस पॉइंट में डालना है। देखिए ये जो ये पॉइंट आपका दिख रहा है पेंसिल का, ये जो पॉइंट है इसके अंदर आपको इसको इन कर देना है। तो आपको इसी टाइप वाला शार्पनर पेंसिल लेनी है जिसमें ये इन हो जाए, ठीक है। तो इसे इन कर देना है, इन दोनों में आपको, दोनों पेंसिलें में आपको इसको इन कर देना है,
ये देखिए इन करके ऐसे रख देना है। फार्म थोड़ा सा फेविकोल भी आप लगा दीजिएगा, इन करने के बाद उसके बाद में फेविकोल लगा दीजिएगा ताकि थोड़ा अच्छे से ये जाए। ये देखिए तो मैंने दोनों ये बना लिया है और इसके अंदर इन कर रहे हैं। ये देखिए इस जगह पे हम एक यहाँ इन कर रहे हैं और एक यहाँ इन कर रहे हैं, ये दोनों मैंने इन कर दिया है। और अभी जो ये हमने बनाया है उसको यहाँ पे ये आपका हल्का टेक लगा करके, देखिए मैं टेक लगा दिया यहाँ पे, टेक लगा देना है आपको ऐसे से किस चीज़ से, ठीक है। और ये जो मेरा जगह है ये बॉक्स मैंने रख दिया, और ये जो मेरा ये बनाया हुआ चीज़ है इसके ऊपर हमको हल्का सा फेविकोल लगा लेना है इस साइड पे, ये इस साइड पे हमको फेविकोल लगा लेना है। यहाँ पे हम हल्का सा फेविकोल लगा लेते हैं इधर से भी और बैक साइड से भी। बैक साइड भी लगा दिया हमने और इसको इसके अंदर ये आपको बॉक्स दिख रहा होगा इस बॉक्स के अंदर हमको इसको इन कर देना है। यहाँ देखिए दोनों साइड से हमने पेंसिल को से डाला है, इस कॉर्नर कॉर्नर पे हम इस पेंसिल को फेविकोल से चिपका देंगे, फेविकोल से इसको पेंसिल को भी चिपका देंगे इस टाइप से। जब लगा दिया हमने आप इस पर गोल्डन सिल्वर पेपर जो भी चाहिए आप लगा लीजिए, फेविकोल जब सूख जाएगा तभी आपको इसको टच करना है। हमने इस पे गोल्डन पेपर ले लिया है, आपका जो भी एक्स्ट्रा पेपर बचा हुआ है पेपर तो पीछे फिनिशिंग आया है इसलिए हम लोग गोल्डन पेपर यूज़ कर रहे हैं। इस स्टेप इसको लगा देना है, स्टेप से देखिए हमने लगा दिया इसको, सूख जाएगा तो ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा। यहाँ पे भी फेविकोल लगा दे रहे हैं सन के साथ भी ताकि सूखेगा तो सन के साथ ये चिपका रहेगा। सेम बोथ साइड भी हमको ऐसे करना है, फेविकोल हमने ले लिया और इधर जो मेरे ये रेन ड्रॉप्स बनाए हमने एकदम कॉर्नर पे हमको ऐसे ले करके, जो एक्स्ट्रा पेपर होगा हम बाद में उसको कट कर देंगे। स्टेप्स इसको हमको लगा देना है, आप चाहिए तो डबल भी कर सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। और इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको भी हम हल्का फेविकोल लगा करके स्टिक कर देंगे, ठीक है, जाके ज़्यादा जोर आपके स्टॉप है ना पड़े। इधर से इसमें पेपर लगा दे रहे हैं। अभी जो इस साइड में जो हमने गैप रखा था तो उसके अंदर भी हम ये पेपर ले करके माउंट बोर्ड लेकर इसको कट करके यहाँ चिपका दे रहे हैं ताकि पेंसिल मेरी हिले ना, पेंसिल मेरी हिले ना। स्टेप से हम इसको अंदर इन कर देंगे ताकि काफ़ी हार्ड ये रहे। ये देखिए स्टेप से अंदर डाल दे रहे हैं इसके बॉक्स के अंदर ताकि ये काफ़ी हार्ड रहे किसके ना, ठीक है। इस टाइप से ही आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए, हम बहुत अकेले मेहनत से ये सब ड्राइंग बनाते हैं बच्चों को आइडिया देने के लिए। ये सूख जाएगा, यहाँ पे देखिए फेविकोल हमने इसके जगह फिर से फेविकोल लगा रहे हैं और इसको हम टेक लगा के रख देंगे काफ़ी 2-3 घंटे, ऐसा टेक लगा कर हम 2-3 घंटे इसको रख देंगे, ठीक है। ये हमने देखिए इधर से लगा डाल दिया इसको फेविकोल लगा करके, इधर पेंसिल लगा दी है और ये भी कई 2-3 घंटे कम से कम सूखने में छोड़ देना है, तुरंत आप इसको छूना नहीं है आपको इसको। और हम आपको हल्का सा वीडियो दिखा करके वापस इसको अच्छे से रख देते हैं। ये देखिए मेरा ये जो बॉक्स है धीरे से इसको उठाएंगे
एक बॉक्स मेरा धीमे से इसको उठा रहे हैं। ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है और अभी ये सूखा नहीं है इसलिए इसको हमको ऐसे स्टैंड करना पड़ेगा, एक जगह लगा करके लिपटिक लगा करके स्टैंड रहेगा तो ये फिर एकदम हार्ड हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। रेन की तरफ हमने रेन दिखा दिया है, हल्का सा सन का सन दिखा दिया है और ये मूवेबल है, ये देखिए घूमेगा। बच्चे जैसे जैसे बताएंगे स्कूल में वैसे बताएंगे इसको, तो ये आपको ऐसे बना लेना है। थैंक यू आज की वीडियो के लिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यहाँ पे बच्चे अपने नाम लिख लेंगे, ये जो जगह पे हमने दिया ना यहाँ पे नाम और जो प्रोजेक्ट बनाया है बोरोमीटर वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो जगह है तो आपका ये ऐसे बॉक्स सब खड़ा रहेगा। अभी पीछे में कुछ टेक लगा करके इसको, ये देखिए पीछे में इसको टेक लगा कर रख देंगे ताकि वो एकदम स्टैंड रहे। पीछे से भी दिखा दे रहे हैं आपको, थैंक यू।